तो भाई उधर फॉर्म साइन कर रहा है जी, मम्मी रितु सभी लोग जो है अंदर है। कहा गया है कि आज तो एडमिट रखना पड़ेगा, बाकी देखते हैं कब तक एडमिट रखा जाता है, उसके बाद देखेंगे। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। परिवार पर पता नहीं कैसा ग्रह लगा है, लेकिन फिर बताया गया कि अब जो है रितु को ICU में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि रितु का जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे। आप लोग भी प्रे करिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है कि रितु जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आज है शनिवार, सभी का है वीकेंड, तो इस वीकेंड में प्लान कर रहे हैं कि बाहर चले जाए। और हम लोग तो सोचे थे कि मूवी जा करके देखेंगे, रॉकेटरी जो आर माधवन की आई हुई है मूवी, लेकिन पता चला है कि वह मूवी जो है वहाँ से हट चुका है और अब वहाँ पर नई मूवी आ चुकी है और वह है थॉर। तो वह भी मूवी सही है जी, उसका जो भी पार्ट था पहले का सारा पार्ट हमने देखा हुआ, या जो लेटेस्ट पार्ट है यह भी जा करके देख लेते हैं। और बाकी हमारे बाबू जो है इसका मालिश हो चुका है, तो अभी यह जो है मम्मी की गोद में है, थोड़ा बहुत खेल रहा है। हाँ जी, तो सुबह सुबह देख सकते हैं जी कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, घर का जो भी होता है। तो आज बन रहा है परवल का भुजिया और ये भिंडी, भिंडी नहीं है, करेला है। परवल, भिंडी, करेला, ये तीन जो है बहुत ही कॉमन है, हरदम एक दिन छोड़ के एक दिन में जरूर बनता रहता है। कौन सब्जी बनेगा? कद्दू बनेगा, झींगा, कद्दू आप खाते हैं? कुछ नहीं खाएंगे, हरदम रसगुल्ला, पेड़ा, खाओ टिकरी, घर में नहीं होगा, खराब हो जाएगी। रसगुल्ला खराब कोई सब नहीं खाता है, और जो हरा सब्जी रोटी खाता है वह जीवन भर स्वस्थ। अच्छा, तो जी हम नहा करके हो गए हैं तैयार, और आज जो टी शर्ट हमने पहना हुआ है कि हमें फेसबुक इंडिया की तरफ से मिला था, और बहुत दिनों से जो ऐसे ही रखा हुआ था तो सोचा कि आज इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बताइएगा कैसा लग रहा है यह टी शर्ट। और यहाँ हमारा लस्सी तैयार है जी, तो लस्सी पिया जाए। तुम लस्सी लेके कहाँ जा रहा है? लस्सी लेके जा रहे मोनू को देने, मोनू की वाइफ का तबियत खराब तुम जान रहा है, इसलिए उस परेशानी में थोड़ा रात में जगा है, अभी सोया हुआ है, सो के उठेगा तुम पहुँचा। ठीक है, तब दे देना, हम यहाँ रख देते हैं। और हमको भी निकलना है बाहर, जा रहे हैं पूर्णिया मूवी देखने। भगवान भोलेनाथ माता पार आपकी यात्रा मंगलमय करे, दुनिया के हर मोड़ पर आपकी रक्षा करे, आपके साथ आपके सभी दोस्त का भी रक्षा करे, संपूर्ण समाज के बेटा। ठीक है, फाइनली जी पहुंच गए पूर्णिया के रूपवाणी सिनेमा, दोस्तों के साथ आए हुए हैं, गाड़ी को जो है उधर पार्क कर दिया है, और 10 मिनट है मूवी स्टार्ट होने में। हमें तो लग रहा था कि थोड़ी लेट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से आने में लगभग एक घंटा के करीब लग जाता है, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी तेज चलाए, हम लोग 45 मिनट में पहुँच गए, मतलब 15 मिनट कम में, तो इसी वजह से जो है टाइमली पहुंच गए। अब जाते हैं, कुछ पेट पूजा पहले कर लेते हैं, कुछ ऐसा तो खाना है नहीं, बस लस्सी या बिस्किट इस टाइप का कुछ लेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले टाइफाइड और जॉन्डिस की शिकायत थी, तो इसीलिए नहीं खाना है कुछ भी ऐसा टूटी टाइप का। क्या पता, देखो जी अंदर तो आ गए हैं और अब मूवी स्टार्ट होने में लग रहा है, शायद स्टार्ट हो गया या ट्रेलर चल रहा है। 3 hours later हो गया जी मूवी देखा हुआ, और धूप है बाहर बहुत तेज, तो अब जो यहाँ से सीधा चलते हैं। सोचा था कि कुछ खाएंगे पियेंगे, लेकिन फिर हमें ध्यान आया कि अभी कुछ भी जो है बाहर का खाना नहीं है, सभी लोग चल रहे हैं। घर की तरफ निकल ही रहे थे, बीच रास्ते में थोड़ा सा रुक गए, क्योंकि कुछ तो खाना पीना तो हमने खाया नहीं, लेकिन सोचा कम से कम जो यहाँ का चाय जो है जरूर टेस्ट कर ले, क्योंकि यहाँ का जो है चाय सुना है काफ़ी अच्छा है, शायद यहीं रुके थे या कहीं और रुके थे, तो काफ़ी अच्छा लगा था। बस तो इसका चाय पी करके बताते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, कैसा लगा था? सही है, यहाँ पर आपको शुद्ध पेड़ा, शुद्ध दही, दूध का जितना भी आइटम होता है, चाहे पनीर हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर दही सब जमाया जा रहा है। फाइनली जी पहुंच गए घर के पास, गाड़ी अभी पार्किंग में लगाने ही वाले थे कि तुरंत खबर आई कि रितु की तबीयत खराब है, तो रितु गई हुई हॉस्पिटल, तो शायद वहां पर सारा टेस्ट और ये सब कुछ हो गया है, तो फिर से रितु की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। तो भाई उधर फॉर्म साइन कर रहा है जी, मम्मी रितु सभी लोग जो है अंदर है। कहा गया है कि आज तो एडमिट रखना पड़ेगा, बाकी देखते हैं कब तक एडमिट रखा जाता है, उसके बाद देखेंगे। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। परिवार पर पता नहीं कैसा ग्रह लगा है, कुछ दिनों पहले हम बीमार थे, टाइफाइड और जॉन्डिस दोनों पकड़ लिया था साथ में, दो हफ्ते तक बेड रेस्ट पर थे, और अब रितु के साथ ऐसा हो गया है। भगवान रक्षा करो सभी।
अभी जा रहे हैं जी अररिया, जहाँ पर रितु का घर है, रितु की मम्मी को लाने के लिए। जाहिर सी बात है जी, ऐसे समय में जब माँ साथ रहती है तो ज्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा साथ बल भी मिलता है। जो भी बात बोलना होगा उसे माँ से थोड़ा कम्फर्टेबल होकर के बोल पाएगी, तो हम लोग से बात कर पाएगी। इसकी माँ को जा रहे हैं लाने के लिए और इसके अंकल है, हम दोनों मिलकर के चलते हैं। और साथ में जो किसी को ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, तो देख रहे हैं कौन ब्लड डोनेट करेगा। घर में तो सभी की खस्ता हालत है, माँ है डायबिटिक पेशेंट, उसके बाद भाई, भाई का हेल्थ आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है। और हम सोच रहे हैं कि हम दे दें, लेकिन क्योंकि अभी हमको ड्राइव करके जाना है तो कह रहे हैं नहीं अभी आप मत दीजिए, क्योंकि आपको ड्राइव करना है। मेरे लिए भी थोड़ा सा डाउट है, चार दिन पहले तक हम जो है बेड रेस्ट पर थे 2 हफ्ते के लिए, तो मेरे लिए भी देना सही रहेगा कि नहीं। बाकी देखिए जो भी हो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, इतने सारे लोग। 2 hours later जी अभी जा रहे थे रितु के यहाँ, अभी रुके हुए हैं जी बीच रास्ते में। सीन क्या हुआ, हमारी गाड़ी हो गई पंचर, और भला था जो मेन मार्केट है उसे ठीक 1 किलोमीटर पहले ऐसा हुआ था, वरना थोड़ा बीच रास्ते में हो गया होता तो सीन हो गया होता। और जब यहाँ पर आए और भाई साहब ने टायर में चेक किया कि कहाँ से हो गया पंचर, तो देखा एक जगह, वहाँ पर देखा कि एक बड़ा जैसा कील अंदर घुसा हुआ है। बताइए कैसे संभल संभल करके चले लोग। और यहाँ है रितु के अंकल, वो भी साथ में देख रहे हैं कहाँ क्या सीन है। बाकी सब में तो हवा सब तो भर चुका है। चलिए जी, फाइनली पंचर तो बन गया, वरना लग रहा था किस फेरा में हम लोग फंसे हैं। और अगर थोड़ा सा मान लीजिए 5-10 किलोमीटर पहले हुआ होता तो सीन हो गया होता। तो फाइनली जी रितु के घर से हम आ गए हैं, रितु की मम्मी को लेते आए हैं और वो अंदर है, रितु से मुलाकात कर रही है। The next day. कल रात जी मम्मी को लेकर के आ गए थे, कल आए थे रात के 1 बजे हम लोग। और हम मम्मी को लेकर के इसलिए आ गए, देख रहे थे मम्मी जब वहाँ पर थी तो लग रहा था मम्मी हो जाएगी नर्वस, और मम्मी जो है वैसे ही कमजोर है थोड़ी दिल से, और साथ में हेल्थ इशू भी है। तो हमने सोचा कि मम्मी कम से कम रात भर जो सो ले चैन से, फिर हम लेते आएंगे। तो मम्मी तो आना नहीं चाह रही थी, तो फिर सभी लोग से बात की, वहाँ पर रितु की मम्मी भी थी, रितु के चाचा भी थे, मोनू भी ऑलरेडी वहीं पर था। तो हम कि इतने सारे लोग हैं, तुम चलो यहाँ से, फिर जो है कल सुबह आ जाना। तो हम लोग जो है यहाँ पर आ गए हैं, और कुछ कुछ जो कपड़ा है रितु का और मोनू का वो सब अभी लेकर के जाएंगे, जल्दी से नहाते हैं हम लोग, और कुछ खाना पानी सब जो है यहाँ से लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो होटल का खाना होगा, होटल का खाना कैसा होगा जानते हैं जी। और पूरा सीन क्या हुआ था जी, आपको हमने बताया नहीं था कल कैसा सीन हुआ था। फिलहाल तो बाबू का मालिश हुआ है, और मालिश जब हुआ है उसके बाद से थोड़ा सा रोना स्टार्ट किया है। क्या हुआ है बाबू, क्यों रो रहा है, किसी ने पीटा? हाँ, किसने पीटा है? तुम तो झूठा नाम लगा देता है, किसी ने पीटा? बहुत मार खिलाएगा हम लोगों को बड़ा होकर, दादा देगा मम्मी मारी है, पापा मारे हैं, झूठ। अजान कितना जोर से चिल्लाएगा कि दादा दादी सुन ले। उधर मम्मी है जी फोन पर, और मोनू का कॉल आया हुआ है, कुछ अपडेट दे रहा है। कल का आपको बताते हैं जी सीन क्या हुआ हॉस्पिटल का। सबसे पहले जी गए कटिहार में एक डॉक्टर के पास, जहाँ पर जी आके डिलीवरी हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट किया। आंटी जी ही है हमारे दोस्त की मम्मी है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है अल्ट्रासाउंड करवाया, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लिया, सब कुछ में नॉर्मल आ रहा था। बस खाली ये चीज जरूर आ रहा था कि हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड का प्लेटलेट्स काउंट जो है कम है। तो एक दिन के लिए दवाया दिया, और फिर उसके बाद क्या हो रहा था कि रितु का जो है ब्लीडिंग कम ही नहीं हो रहा था, खून का जो क्लॉट होता है वह सब निकलता जा रहा था, तो बहुत ही मतलब गंभीर समस्या हो रहा था वहाँ पर। तो उसके लिए जो है उन्होंने दवा भी चलाया, दवा चलाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि आप बाबा पैसा करिए, आप चले जाइए पूर्णिया, पूर्णिया में जो है मैक्स हॉस्पिटल भी है और सभी हॉस्पिटल है, लेकिन बाकी सब हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको जो है थोड़ा सा लूट लेंगे वो सब। सद्भावना हॉस्पिटल जो है उसके बारे में कहा कि वह ठीक है, नया खुला है, और आज के जमाने के अनुसार जो भी टेक्नोलॉजी से होता है ट्रीटमेंट के लिए सब कुछ है वहाँ पर। तो हम लोग जी चले गए वहाँ पर, जैसे ही वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि पहले जो इसको एडमिट करना पड़ेगा रितु को, और एडमिट करने के बाद जो है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। फिर जी हमने रितु को एडमिट किया, रितु को एडमिट करने के बाद जो है रितु की मम्मी को जाकर के लेकर के आ गए अररिया से। फिर उसके बाद जो है ब्लड का व्यवस्था किया, ब्लड का तो व्यवस्था हो गया 1 यूनिट, और भी लगेगा अगर तो फिर उसका भी व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर हम लोग गए थे नाम था उसका MAX7, जहाँ से हम लोग ब्लड लिए थे, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ आपको 1 ही यूनिट यहाँ से दे पाएंगे, दूसरा यूनिट तब मिलेगा जो रितु का ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव, अगर AB पॉजिटिव डोनर यहाँ पर मिलेगा तब आपको मिलेगा। जिनका भी ब्लड बैंक का चक्कर लगा होगा जी उनको तो पता होगा ही, पहले जो है आपको ब्लड को डोनेट करना पड़ता है, तो जितना ब्लड आप डोनेट करते हैं उतना ही ब्लड आपको ब्लड बैंक से मिल जाता है। तो वहाँ पर जो है 1 यूनिट तो डोनेट कर दिया गया, और हम लोग को 1 यूनिट दे भी दिया गया। फिर हमने कहा कि जी देखिए हमें तो 2 यूनिट की जरूरत है, तो कहा कि देखिए हमें 1 यूनिट और भी चाहिए ब्लड। फिर हम कहे ठीक है व्यवस्था करते हैं, कहा कि नहीं है, हमें वही ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए जो पेशेंट का है, मतलब जो रितु का है, कहे कि यार बड़ा इफेन बट है ब्लड बैंक में। तब उसके बाद हम लोग चले गए, फिर उसके बाद उनसे पूछे कहीं और व्यवस्था हो जाएगा, कहा कि बाहर आपको कहीं व्यवस्था हो जाएगा जहाँ पर शायद डोनेट भी नहीं करना पड़े और आपको मिल जाएगा वहाँ पर, तो देखते हैं वैसा कुछ होगा। बाकी तो रितु के सारे फैमिली मेंबर सब तो आ ही गए, वहाँ से कुछ हो जाएगा, कोशिश तो कर रहे थे कि
हम भी दे दे, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप थोड़ा अलग है। फिर जी जितना ही व्यवस्था हुआ उतना ही व्यवस्था करके हम लोग आ गए, क्योंकि एक यूनिट जो है ब्लड उसको भी चढ़ाने में जो है अच्छा खासा समय लग जाता है, कम से कम 4-4.5 घंटा तो जरूर लग जाता है। फिर जी हम लोग ब्लड लेकर के आए और उसके बाद जो है ब्लड चढ़ाने के लिए वहाँ पर दिए, लेकिन फिर बताया गया कि अब जो है रितु को ICU में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि रितु का जो है ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे। फिर हम लोग जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी लोग है कि ठीक है आप जो एडमिट कर दीजिए जो भी आपको सही लगे। कि देखिए ऐसा समय है कि इस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी डॉक्टर को सही लगेगा वह करेंगे। भले हॉस्पिटल का आदत भी होता है थोड़ा सा अपना बिल चढ़ाने का और ये सब करने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो फिलहाल तो कहे कि जो आपको सही लगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पैसे की दिक्कत नहीं है, जो भी होगा हम लोग जो है सब कुछ करेंगे। तो ऋतु जो है रात से लेकर के अभी तक, अभी बज रहे हैं 8, तो 8 बजे तक जो है ऋतु ICU में ही है। 9 बजे जो है उसको ICU से निकाला जाएगा, फिर ब्लड चढ़ाया जाएगा आज सुबह 9 बजे, और उसके बाद तो जल्दी से हम लोग वहां पर जाते हैं, फिर ब्लड का व्यवस्था किया जाएगा। तो अभी तक का तो यह अपडेट है। और फिर ऋतु का कंडीशन जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन और वो सब सब कुछ, फिर उसके बाद जो है ऋतु का टेस्ट किया जाएगा और फिर पता चलेगा कि यह सब आखिर हो किस वजह से रहा है। अभी तक हमें कारण नहीं पता है कि आखिर क्यों हो रहा है यह सब चीज। अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ है, टेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऋतु का शरीर बहुत कमजोर है अभी। तो पहले जो है डॉक्टर ट्राई कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन जो है सब कुछ मेंटेन कर दिया जाए, उसके बाद सब कुछ होगा। बाकी देखते हैं जी जो भी होगा, भगवान जल्दी से ठीक करे, किसी को भी हॉस्पिटल का चक्कर नहीं कटवाए, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल का चक्कर काटे होंगे उनको पता होगा कि कितनी परेशानी होती है जी। देखिए पैसे तो अलग बात होते हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली भी कितना हैरेसमेंट होता है वहाँ पर। और मैं 2 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पर था, मुझे तो चलिए हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा, लेकिन घर में ही बेड रेस्ट, इतना खराब लग रहा था ये चीज। और ऋतु तो हॉस्पिटल में है तो उसको कैसा फील हो रहा होगा। आप लोग भी प्रे करिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है कि ऋतु जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।